welcome to our channel BLT 360 degree. I am your host Jolly Yadav. And दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो काफी अलग होने वाली है. यूजली मैं वीडियोस में किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर जाती हूँ एंड उस प्रोजेक्ट को ही कवर करती हूँ, बट आज की वीडियो अलग इसलिए होने वाली है क्योंकि आज मैं एक प्रॉपर लोकेशन को कवर करने वाली हूँ, जी एक पूरे एरिया को कवर करने वाली हूँ एंड वहाँ पर आपके लिए क्या क्या ऑप्शन है, किस तरीके की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं वहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ. अगर हम नोएडा के अराउंड रियल एस्टेट की बात करें तो इसको यू नो अलग अलग पार्ट्स में बनाया हुआ है. जैसे मान लो सेक्टर 150 एक हो जाता है, सेंट्रल नोएडा एक है, ग्रेटर नोएडा है, नोएडा एक्सटेंशन है, उसके बाद सिद्धार्थ विहार एक लोकेशन है, इंद्रपुरम लोकेशन है, उसी के साथ साथ NH 24 भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट एक लोकेशन हो गई है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए. मैंने सिद्धार्थ विहार के ऊपर एक पूरा ओवरव्यू ऑलरेडी बनाया हुआ है, प्लस मैंने सेक्टर 150 की भी एक वीडियो बनाई हुई है. तो अगर आपको उन एरियाज के बारे में भी जानना है तो उसकी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं. बट आज का मेरा मेन फोकस रहेगा NH 24 पर, जो रियल एस्टेट है, जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है बोथ रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल. तो आज की इस वीडियो में हम पूरा NH 24 कवर करने वाले हैं, किस किस तरीके के यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से एरियाज NH 24 पे फॉल करते हैं, वो सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं. प्लस मैं आपको सारी चीजें लाइव दिखाने वाली हूँ, यहाँ से कनेक्टिविटी आपको कैसी मिल जाती है, लोकेशन कैसी है, सारी चीजें देखेंगे. आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और इसी के साथ साथ मैं इन लोकेशंस के प्राइसेस भी डिस्कस करूंगी, तो एंड दी एंड आप एक आइडिया लगा सकते हैं, आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी लोकेशन इस एरिया में आपके लिए परफेक्ट है. तो चलिए चलते हैं गाइज. अभी हम FNG एक्सप्रेसवे पे हैं एंड अभी हम सीधा पहले शनि मंदिर तरफ जा रहे हैं. शनि मंदिर एक प्रोमिनेंट लोकेशन है, यहाँ की प्रोमिनेंट पॉइंट है, यहाँ पर SGM हॉस्पिटल है जहाँ पर, एंड वहीं से आपका NH 24 शुरू हो जाता है. सो गाइज आप देख सकते हैं ये शनि मंदिर है एंड ये पीछे आपका यहाँ पर 63 सेक्टर हो जाता है, जहाँ पर कि आपके बिजनेस हब्स हैं, यहाँ पर ऑफिस स्पेसेस हैं. एंड प्लस इस तरफ आप देखेंगे ये सामने पूरा आपका NH 24 शुरू हो जाता है. इस तरफ रहेगा दिल्ली गाजीपुर, आपका यहाँ से अराउंड 10 से 12 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. एंड यहाँ से आपका इस तरफ वाला जो रोड है ये आपका फर्दर लाल कुआं, सिद्धार्थ विहार एंड आपका पूरा NH 24 के जो प्रोजेक्ट है वो पूरे इस तरफ रहेंगे. अभी फिलहाल आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपका दिल्ली रहेगा. दिल्ली यहाँ से आपका अराउंड, मैंने जैसे कि बताया आपको, 10 से 12 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. उसके साथ साथ इसी रोड पर आगे आपका नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन भी रहेगा. सो गाइस शनि मंदिर इस तरफ है एंड आप बिल्कुल इसके ऑपोजिट देखिए तो यहाँ से एक रास्ता जाता है जहाँ से आप इंदिरापुरम जा सकते हैं. इंदिरापुरम भी आपका NH 24 की लोकेशन पर ही आता है एंड यहाँ पर भी आपको काफी सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में ऑप्शंस मिल जाते हैं. ऑल्दो अभी यहाँ के प्राइसेस थोड़े से ज्यादा चल रहे हैं, इंदिरापुरम काफी डेवलप ऑलरेडी हो चुका है एंड अभी वहां पर अगर एक आप मिड सेगमेंट में प्रोजेक्ट देखना चाहें तो शायद आपको ना मिले क्योंकि प्राइसेस थोड़े से अभी वहां के बढ़ चुके हैं. बट आपको अफोर्डेबल रेंज में अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए, आपको अफोर्डेबल रेंज में एक घर चाहिए तो NH 24 बिल्कुल परफेक्ट लोकेशन है क्योंकि यहाँ से एवरेज आपका 30-35 लाख से यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं एंड फर्दर आपको लग्जरी सेगमेंट में भी यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, 1.5 करोड़ तक के यहाँ पे प्रोजेक्ट मौजूद है. प्लस आप देखिए यहाँ पर आपका शुरू हो जाता है सिद्धार्थ विहार, ये पूरा एरिया सिद्धार्थ विहार है. सो गाइस अभी मैं सिद्धार्थ विहार की लोकेशन पर आ चुकी हूँ. यहाँ पीछे पूरा आपका ये पूरा एरिया सिद्धार्थ विहार है, ये एक नया एरिया है एंड नया मैं इसलिए इसको बोल रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट होना बाकी है. और तो काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं, रेडी टू मूव इन सेगमेंट के भी प्रोजेक्ट्स हैं, लोग भी यहाँ पर रहना शुरू हो चुके हैं. प्लस आप यहाँ पर देखिए तो एक ऑपरेशनल स्कूल भी है, DPS स्कूल सिद्धार्थ विहार यहाँ पर आपका है. उसके पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पर गौर सिद्धार्थम है. फर्दर इस तरफ आपका SGU शिखर हाइट है, यहाँ पे एपेक्स का प्रोजेक्ट है, उस तरफ प्रतीक ग्रैंड सिटी है. आगे और इसी रोड पर अगर हम और थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो यहाँ पर आपके TNT ग्रुप के भी 3 से 4 प्रोजेक्ट है, यूटोपिया है, डिजिटाउन है, टी होम्स है. एंड अगर हम इस पूरे एरिया की बात करें तो काफी अच्छा एरिया है. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपका नोएडा से बिल्कुल पास में है. नोएडा यहाँ से अराउंड 5 से 7 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. सो मतलब जो लोग जॉब्स करते हैं उनके लिए सेक्टर 63 यहाँ से काफी ज्यादा नजदीक मिल जाता है. सो ये एक बहुत बड़ी USP है इस एरिया की.
एंड NH24 से तो आपको कनेक्टिविटी यहाँ से मिली जाती है। NH24 बिल्कुल यहाँ से 2 मिनट के डिस्टेंस पर है, आपने देखा था अभी कट लेते ही आपका सिद्धार्थ विहार शुरू हो जाता है। अगर मैं इस एरिया की एवरेज प्राइस की बात करूं तो आपको यहाँ पर 60 लाख में एक अच्छा खासा घर बहुत आसानी से मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर लग्जरी सेगमेंट के भी घर है, लग्जरी सेगमेंट में आपको TNT ग्रुप यहाँ पर अच्छे खासे ऑप्शंस दे रहा है, जिनके पास यूटोपिया है, डिजिटाउन है, टी होम्स है। सो यहाँ पर आपके सभी तरीके के सेगमेंट के लोगों के लिए यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर मैं कमर्शियल एरियाज की बात करूँ तो अभी कमर्शियल एरियाज यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है, एक अभी डेवलपिंग स्टेज में है। प्लस गौर सिद्धार्थम का जो उनकी शॉप्स है वो यहाँ पर रनिंग स्टेज में है। बट एक अच्छा USP इस जगह की ये है कि इसके बिल्कुल सामने ही आपका प्रताप विहार है। प्रताप विहार एक GDA अप्रूव्ड सोसाइटी है एंड वहाँ पर काफी सारे लोकल मार्केट्स मिल जाते हैं, आपकी वेजिटेबल्स एंड ऑल के लिए सारी चीजें मिल जाती हैं, ग्रोसरी शॉपिंग यहाँ से बहुत इजीली हो जाती है। प्लस एक और अच्छी चीज है कि यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत इजीली मिल जाता है, आप देखिए बहुत ही आसानी से यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। तो सिद्धार्थ विहार से जो लोग रह रहे हैं ऑल्दो यहाँ पर अंदर उनके लिए कमर्शियल में बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बट बिल्कुल ही इसके एडजॉइनिंग एक फुली डेवलप्ड सोसाइटी है तो वहाँ पर उनको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए। एंड उसके अलावा कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत ज्यादा अच्छी है, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी मेट्रो स्टेशन इस तरफ आपका पड़ जाता है, बाकी एक और मेट्रो स्टेशन है शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन जो कि इसी रोड से फर्दर आपका सीधा अराउंड यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सो सिद्धार्थ विहार एक लोकेशन हो गई NH24 की। अब चलिए मैं आपको दूसरी लोकेशन की तरफ भी लेके चलती हूँ। गाइस जैसे ही आप सिद्धार्थ विहार से वापस से NH24 पर आते हो तो यहाँ आप देख सकते हैं ये पीछे आपको कुछ लोकेलिटीज दिख रही होंगी, तो ये पूरा एरिया आपका क्रॉसिंग रिपब्लिक है। ये भी एक बहुत ही अच्छा एरिया है, यहाँ पर काफी सारे आपके पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक्चुअली ये भी ऑलमोस्ट डेवलप्ड एरिया है एंड क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंदर आपको सभी तरीके की फैसिलिटीज मिल जाती हैं। यहाँ पर आपके पेट्रोल पंप्स रहेंगे, हॉस्पिटल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, स्कूल प्रेजेंट हैं एंड शॉपिंग एरियाज में भी काफ़ी सारे यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं। सो ओवरऑल क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंदर सारी चीज़ों के सारी नीड्स की चीज़ें सारी यहीं पर प्रेजेंट हैं एंड पूरा आप देखिए तो यहाँ पर तो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, ये आपका रेडी टू मूव एरिया है। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन आपको महागुण मोन्टाज मिल जाता है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है फिलहाल। तो यहाँ पर ग्रेट इंडियन प्रॉपर्टी बाजार फेस्ट चल रहा है जिसमें कि आपको प्राइसेस में काफ़ी अच्छा सा एक डिस्काउंट मिल जाता है, अदरवाइज यहाँ पर आप अराउंड 50 लाख से इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस NH24 पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे गाजियाबाद इंडस्ट्रियल एरिया भी है, यहाँ पे काफी सारे वेयर हाउसेस आप देख सकते हैं एंड इंडस्ट्रीज काफी सारी यहाँ पर सेटअप हो रखी है। सो काफी सारी फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज भी आपके NH24 पर ही है एंड एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये काफी अच्छी लोकेशन है। अगर वो गाजियाबाद में वर्किंग है या फिर वो नोएडा में वर्किंग है तो दोनों ही तरीके से हम देखें तो ये लोकेशन दोनों के लिए ही काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। सो गाइस सबसे पहले हम ये जयपुर या सनराइज ग्रीन्स की लोकेलिटी कवर करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले आप ये देखिए इसके जस्ट ऑपोजिट आपको मणिपाल हॉस्पिटल मिल जाता है। तो ये बहुत ही रिनाउंड हॉस्पिटल है, रनिंग स्टेज में है एंड इसके बिल्कुल ही नेक्स्ट ATS खाइबर एक मॉल यहाँ पर आ रहा है जो कि अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। आप मणिपाल हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे ही देखिए, बिल्कुल साथ देखें तो यहाँ पर आपको 4 से 5 सोसाइटीज मिल जाती है, लैंड क्राफ्ट यहाँ पर है, महागुणपुरम यहाँ पर है, उसके अलावा भी यहाँ पे 3-4 और सोसाइटीज हैं, ली रेसिडेंसी, तनुश्री, जैस्मिन ग्रोव जैसी यहाँ पर सोसाइटीज हैं। एंड अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो यहाँ पर आपको अराउंड 30-40-50 लाख के रेंज में अपार्टमेंट मिल जाते हैं। सो गाइस इन सोसाइटीज से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको एक यू टर्न लेना पड़ेगा एंड फर्दर फिर इसके आगे आपको यहाँ पर 3 और मेजर लोकेलिटीज यहाँ की मिल जाती हैं, 3 मेजर डेस्टिनेशंस मिल जाती हैं जो कि आने वाले टाइम में बहुत ही मेजर लोकेशंस रहेंगी रियल एस्टेट के नजरिए से अगर हम देखें। एंड आज के टाइम पे इन लोकेशंस पे काफी ज्यादा रीजनेबल रेट्स में प्रॉपर्टीज हैं, बट आज से अगर हम 10 साल बाद की बात करें, 5 साल बाद की बात करें तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और इन सोसाइटीज में आपकी हर चीज प्रेजेंट रहेंगी। बेसिकली ये टाउनशिप्स हैं, तो अभी हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आदित्य वर्ल्ड सिटी है, तो हम चले इसके अंदर चलते हैं एंड पहले इस टाउनशिप को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आपको फिलहाल 4 से 5 ऑप्शंस मिल जाते हैं, पार्क टाउन यहाँ पर है,
प्लस इसके अलावा एक लग्जूरिया नाम की यहाँ पर एक सोसाइटी है, सिटी अपार्टमेंट्स है, अर्बन होम्स जैसी यहाँ पर सोसाइटीज मिल जाती हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पार्क टाउन है, ये एक कमर्शियल एरिया है एंड ऑपरेशन स्टेज में है, कंप्लीट हो चुका है एंड काफी सारी शॉप्स यहाँ पर ऑपरेशनल हो रखी है। उसके पीछे आप देखिए तो मरीना स्वीट्स है, यहाँ पर स्वीट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। प्लस इसी के पीछे एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है वीवीआईपी नमा के नाम से, जो कि राजस्थानी ट्रेडिशनल लुक पे आ रहा है। यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो राजस्थान से इंस्पायर्ड है एंड ये एक लग्जरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है जहाँ पर बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही स्पेशियस अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं एंड ये इसका अगर मैं बजट की बात करूँ तो ये आपका करोड़ में रहेगा, ये आपका 1 crore प्लस इसकी सेगमेंट रहेगी। एंड फर्दर आप यहाँ पर इस एरिया को देखें तो अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है बट यहाँ पर काफी सारी चीजें प्रपोज्ड हैं। ये पूरी एक्चुअली टाउनशिप है एंड कई सारे बिल्डर्स के यहाँ पर आने वाले टाइम में प्रोजेक्ट्स रहेंगे, कमर्शियल एरियाज यहाँ पर रहेंगे, मॉल यहाँ पर रहेगा, उसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी काफी सारे यहाँ पर प्रपोज्ड हैं। रेसिडेंशियल में हम बात करें तो आप आगे देख सकते हैं यहाँ पर लग्जूरिया एस्टेट है जहाँ पर की लोग अभी फिलहाल रह रहे हैं एंड वहाँ पर आपके 2-3 BHK में अपार्टमेंट्स में ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वेव सिटी भी आपकी फर्दर यहीं से अंदर ही आपकी वेव सिटी की से भी कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल जाती है। सो गाइस अभी जैसे कि मैंने आपको बताया आदित्य वर्ल्ड सिटी के अंदर हूँ, ये पूरा आदित्य वर्ल्ड सिटी है एंड यहाँ आप देखिए तो इसी के अंदर से वेव सिटी भी शुरू हो जाता है एंड वेव सिटी की भी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए तो यहाँ पर स्का आर्केडिया है, ये एक मॉल है एंड आप देखिए कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रही है, आने वाले टाइम में ये ऑपरेशनल हो जाएगा एंड उसके बाद आप यहाँ पर डेवलपमेंट इमेजिन कर सकते हैं, इस एरिया की इम्पोर्टेंस आप इमेजिन कर सकते हैं। पीछे ये पूरा आदित्य वर्ल्ड सिटी है, ये आपका वेव सिटी है, दोनों ही टाउनशिप्स है एंड इन दोनों ही जगहों पे आपके पास प्लॉट्स के ऑप्शंस हैं, कमर्शियल्स के ऑप्शंस रहेंगे, रेसिडेंशियल के ऑप्शंस रहेंगे। इस तरफ आप वेव सिटी के अंदर देखें तो यहाँ पर भी लोग रहना शुरू हो गए हैं, इस तरफ आपके लो राइज अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। प्लस आदित्य वर्ल्ड सिटी में आप पीछे वहाँ पर देख सकते हैं तो वो लग्जूरिया एस्टेट नाम की एक सोसाइटी है, वहाँ पर भी लोग रह रहे हैं, उसका खुद का एक कमर्शियल एरिया है तो डेली नीड्स का सामान उनका वहाँ पर मिल जाता है। बाकी अगर हम अभी अपार्टमेंट्स की बात करें यहाँ पर तो आपको अराउंड 30 लाख से ऊपर शुरुआत यहाँ पर हो जाती है एंड ऊपर आपके पास 1-2 crore तक की यहाँ पर रेंज चली जाती है। सो ये आने वाले टाइम में अगर हम देखें तो NH24 की जो सबसे स्ट्रॉन्ग एंड सबसे अच्छी लोकेशन, मोस्ट सॉर्ट आउट लोकेशन अगर उनकी बात हम करें तो वो ये होंगी। यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी आने वाले टाइम में आएंगे। बाकी कनेक्टिविटी से तो आप ऑलरेडी वाकिफ है ही कि इस एरिया की कनेक्टिविटी कैसी है एंड आने वाले टाइम में ये टाउनशिप के स्ट्रक्चर पे जैसे कि मैंने बताया डेवलप हो रही है तो यहाँ पर रहने का जो लाइफस्टाइल है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है, यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी चीजें इन फ्यूचर आएंगी। तो गाइस ये तो था आदित्य वर्ल्ड सिटी एंड वेव सिटी, अब फर्दर मैं आपको जयपुर या सनराइज ग्रीन्स के अंदर लेके चलती हूँ। तो अभी हम वापस इस सोसाइटी के बाहर जाएंगे, इस टाउनशिप के बाहर जाएंगे एंड इसी के बिल्कुल ही आगे, बिल्कुल ही नेक्स्ट हमारे पास जयपुर या सनराइज ग्रीन्स का भी एक ऑप्शन है, वहाँ पर 3-4 बहुत ही अच्छे सेगमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो गाइस आदित्य वर्ल्ड सिटी के मेन गेट से आप बिल्कुल सिर्फ 300 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर जयपुरिया सनराइज ग्रीन शुरू हो जाता है, यहाँ पर भी आपके पास 4-5 ऑप्शन मिल जाते हैं रेसिडेंशियल में। आप यहाँ पर जैसे सबसे पहले देखें तो यहाँ पर राइज ऑर्गेनिक होम्स है जिसकी अभी हाल ही में OC रिसीव हुई है एंड यहाँ पर आपके पास 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं। प्लस फर्दर आप और आगे जाएं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांश ऑनिक्स, वो भी आपका नियर टू पोजेशन सेगमेंट का एक प्रोजेक्ट है, काफी अच्छा प्रोजेक्ट है एंड यहाँ पर भी आपके पास 2, 3 एंड 4 BHK अपार्टमेंट्स के ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके अलावा मात्रा क्रिस्टल भी यहाँ पर है। सो ये बहुत ज्यादा बड़ा एरिया नहीं है, यहाँ पर आपके लिमिटेड बिल्डर्स ही हैं। तो कमर्शियल एरिया की बात करें तो यहाँ पर एट प्रेजेंट अभी कोई मेजर कमर्शियल एरिया नहीं है एंड यहाँ पर अगर आप घर लेते हैं तो आपको आसपास लोकैलिटीज पे डिपेंड होना पड़ेगा आपकी डेली नीड्स की चीजों के लिए, अदरवाइज गाजियाबाद तो आपका बहुत ही ज्यादा नजदीक हो जाता है। वहाँ पर आपके पास राजनगर एक्सटेंशन में काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, वहाँ पर मेजर आउटलेट्स प्रेजेंट हैं, मॉल्स प्रेजेंट हैं, फूड हब्स वहाँ पर काफी सारे हैं। सो वो यहाँ से अराउंड 5-7 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा बट उसके अलावा आने वाले टाइम में यहाँ पर जब ये लोग यहाँ पर रहना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ की भी चीजें ऑपरेशनल हो जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं राइज ऑर्गेनिक होम्स के बाद का खुद का एक कमर्शियल एरिया है, तो जैसे ही लोग यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो ये भी आपका ऑपरेशनल हो जाएगा। बट एट प्रेजेंट यहाँ पर भी मेजर कोई कमर्शियल एरिया नहीं है बट इन फ्यूचर
ऑफ कोर्स देयर विल बी डेवलपमेंट एंड देयर विल बी ऑप्शंस फॉर यू। सो ये था जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स। यहाँ पर आपके जो मेजर ऑप्शंस आपके लिए जो प्रेजेंट है वो आपका राइज ऑर्गेनिक होम्स हो जाएगा, अमात्रा क्रिस्टल है, दिव्यांश एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप नियर टू पोजेशन कोई प्रोजेक्ट देख रहे हैं, अगर आपको रेडी टू मूव चाहिए तो आप राइज ऑर्गेनिक होम्स देख सकते हैं। अदरवाइज दिव्यांश में भी 3 से 4 महीने में लोग यहाँ पर रहना शुरू हो जाएंगे। So guys, that was all about our today's video of NH24. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको NH24 की लोकेशन समझ आई है, प्लस यहाँ पर जो रेसिडेंशियल ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं वो क्लियर हुए हैं। अगर आपको इसके अलावा और भी कोई क्वेरी है या आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। प्लस आप यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आने वाले टाइम में यहाँ पर आपको प्राइसेस में काफी ज्यादा अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। एट प्रेजेंट अभी अगर आप नोएडा से कंपेयर करें, नोएडा एक्सटेंशन से कंपेयर करें या फिर ग्रेटर नोएडा या किसी और लोकेशन से कंपेयर करें तो यहाँ के प्राइसेस अभी काफी ज्यादा रीजनेबल है। बट ऑफकोर्स जैसे जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट बढ़ेगी, जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बढ़ेगा, ये प्राइसेस चेंज हो जाएंगे एंड काफी ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आज जो प्रॉपर्टी आप 50 लाख में खरीदेंगे वो अगले 5 साल में आपका 80 से 90 लाख की प्रॉपर्टी यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट पेस पर यहाँ पर हो रही है एंड हर 6 से 7 महीने में यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, नई चीज यहाँ पर आ रही है, आपके स्कूल्स यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं, प्लस कमर्शियल एरियाज भी यहाँ पर बहुत सारे आ रहे हैं। तो जैसे जैसे मॉल्स बनेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, उसी तरीके से आपको यहाँ पर अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। प्लस रेंटल इनकम की भी हम बात करें तो रेंटल इनकम भी काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छी आपको मिल जाएगी, क्योंकि ABS कॉलेज यहाँ से नजदीक है। प्लस अगेन मैंने जैसे कि आपको बताया कि नोएडा के जो बिजनेस हब्स हैं वो यहाँ से काफी ज्यादा नजदीक है, तो वो लोग यहाँ पर आपके एम्प्लॉयमेंट से जो दूर से लोग आए हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा एरिया है, क्योंकि ऑफिस से नजदीक है तो वो यहाँ पर रेंट में अपार्टमेंट वगैरह रेंट करते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी सोच रहे हो तो आपका जो अपार्टमेंट है वो बहुत ही इजिली रेंट पे चला जाएगा एंड आपको एक बहुत ही अच्छी खासी रेंटल इनकम देगा। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं एंड आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं एंड आप यहाँ पर किसी प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहते हैं, देन अगेन आप ऊपर दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। एंड विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है देन गिव अस थम्स अप एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए। प्लस आपके पास कोई भी सजेशन है या आप बायर्स को जो अदर बायर्स हैं उनके लिए आप सजेस्ट करना चाहते हैं देन ऑफकोर्स आप हमें कॉमेंट्स करके बता सकते हैं। एंड विद दैट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।